जी हाँ, तो दोस्तों क्या हाल है। तो दोस्तों हमने सोच लिया है कि अब इसी चैनल पर आपको डेली टेक न्यूज दी जाए। जैस टेक्नोलॉजी के मामले में आगे भी पाकिस्तान बहुत ही पीछे रह चुका है, इसीलिए हम आपको डेली टेक न्यूज देंगे। एक तगड़ी तगड़ी सी टेक न्यूज, जबरदस्त एंड मसालेदार टेक न्यूज देंगे, जिसमें कोई भी चीज आएगी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी, हम उसको रगड़ देंगे चैनल पर। यस, जी हाँ। तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सैमसंग वाले अब पीछे नहीं हटने वाले। इन्होंने S20 के बाद S21 को लॉन्च किया और उसके बाद अब ट्रिपल कैमरा सेल्फी देखने के लिए मिलेगा। यस फ्रंट पर आपको 3 कैमरा देखने के लिए मिलने वाले हैं फोन के अंदर। जी हाँ, तो सैमसंग ने ये एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए फोन बनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि एक ऐसी वॉच आने वाली है जिसमें ह्यूमन बॉडी को इस्तेमाल करते हुए वॉच निकाली जाएगी। यस, एक ऐसी फिटनेस बैंड या फिर वॉच निकालने वाले हैं। इस वाली वॉच के अंदर एक थर्मो इलेक्ट्रिक चिप यूज की है जो कि इंसान की बॉडी से हीट लेकर जन के बैटरी को चार्ज करेगा। देख लो, इंसानों का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। दोस्तों नेक्स्ट टेक न्यूज वीवो की तरफ से। वीवो वाले अपना एक नया फोन लॉन्च करने जा रहे हैं। यस, निकालने वाले हैं जो कि फोल्डेबल फोन होने वाला है, जैसे कि सैमसंग वालों ने निकाला था फोल्डेबल। और भी काफी ज्यादा ऐसी डिवाइस हमें देखने के लिए मिल चुकी हैं फोल्डेबल, लेकिन अब वीवो वाले भी अपना ये वाला फोल्डेबल फोन निकालेंगे जो कि नीचे से भी फोल्ड है, ऊपर से भी फोल्ड है और बैक पर कैमरा देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज होने वाली है वो शोमी की तरफ से होने वाली है। शोमी मी 11 अल्ट्रा की कुछ लीक्स निकल कर सामने आई हैं। बैक पर एक छोटी सी LCD देखने के लिए मिलेगी कैमरास के साथ। शॉर्ट डिस्प्ले 67+ एंड 67+ वायरलेस QHD+ यानी कि ऑनलाइन डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और कैमरास बैक पर जो देखने के लिए मिलने वाले हैं 50 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने के लिए मिलेगा, प्लस 48 तीन कैमरा देखने के लिए मिलने वाले हैं और 120x जूम देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप कोई भी दूर सी चीज नजदीक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज होने वाली है सैमसंग की है। तो सैमसंग का एक यानी कि यूट्यूब पर एक वीडियो चल रही है 15 दिन से सैमसंग का, यानी कि S21 पानी के अंदर पड़ा हुआ है। इसके यानी कि डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सा इश्यू देखने के लिए मिला एंड कैमरा सही तरीके से काम नहीं कर रहे। इसे किसने कहा था पानी के अंदर डालो, तो बात कर लीजिए। तो पानी का इतना ज्यादा लेवल भी नहीं हमें देखने के लिए मिल रहा, अगर इसका टप जन के पूरा भरता है तो फिर देखते हैं कि फोन का क्या बनता है। और नेक्स्ट जो न्यूज होने वाली है वो एप्पल की तरफ से होने वाली है। एप्पल रिप्लेसमेंट एयर, यानी कि 1% से ज्यादा चार्ज नहीं हो रहा फोन। तो जिनका यानी कि 1% से चार्ज नहीं हो रहा है एप्पल का फोन, तो एप्पल सर्विस से चेक करवा सकता है। एप्पल ने अपनी एक नई सर्विस निकाल दी है, जिस किसी सिटी में भी है वो वहां पर जाकर चेक करवा सकता है अपना फोन। तो होने वाली है Xiaomi न्यू टेक्नोलॉजी अंडर डिस्प्ले कैमरा। यस, तो Xiaomi वाले अपना एक फोन लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर ही डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा देखने के लिए मिलेगा। जी तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।